हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भगवानपुरा लाहौर से जनाब, भगवानपुरा लाहौर, अयूब खान साहब दी ग्रेट, फरमाएं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपसे वो पिछले सही फोन किया था, वो मैंने आपको पहला फार्म से लेके आया था मुर्गियां, वो मैंने जिबा की हुई है, जो उसको ऐसे बीमारी कर गई थी। हाँ जी। तो आप वो मेरे पास फैंसी है ना जी, उनका ये मसला होता है तो वो एक टांग पे चलते हैं लगा के, जैसे कोई चोट लग गई है जी जी, तो अब क्या वो बिल्कुल बैठ गए हैं, उनको चला नहीं जा रहा। ओहो अच्छा, पता नहीं क्या मसला हुआ उनको। तो दवाई फिलहाल ऐसे हो गए, तो अब मैंने सुबह उनको नासोटा पिलाया है। एंडी नासोटा, अच्छा हाँ जी। तो वो टेरामल की वो आपने गोली लिखाई थी ना, एक्चुअल वो भी खिलाई है। अच्छा। तो एक वो हमारे मोहल्ले में था आदमी, उसने कहा वो हल्दी जी और शहद, हाँ जी, हाँ जी, उनका पेस्ट बना के वो दिया रात को, आप फिर देना। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर से पूछा हूँ क्या मसला हो गया उनके टांगों को। नहीं, वो असल में लासोटा का भी फायदा उसी वक्त होता है जब ये तंदुरुस्त हों, तो उस वक्त तो वैक्सीनेशन करते हैं। जब बीमार हो जाए, अटैक हो जाए इसको रानी खेत का, तो फिर इसको फायदा इतना नहीं देता, फायदा ही नहीं देती कोई भी चीज। वो जाहिर है उसके टांगे मफलूज हो जाती हैं और उनकी सांस थोड़ा सा मुश्किल से आना शुरू हो जाता है और बीटें पतली करनी शुरू कर देती हैं, पहले ग्रीन ही। उसी तरह है या नहीं? तो मेरी जान इसका अब यह दुआ ही करूंगा, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह करे ये निकल जाए इसमें से ये, क्योंकि वायरल जानलेवा बीमारी है इसकी। जब भी ये सेहतमंद हो तो फिर उस वक्त इनकी वैक्सीनेशन करनी बड़ी जरूरी होती है। तो मैंने वो रानी खेत का इनको इंजेक्शन लगाया था पहले, चले अल्लाह मदद करे, उस वक्त ठीक थे, अल्लाह करेगा उससे, अल्लाह सेहत दे इनको। अब ये है कि इनको थोड़ा अब ये है, नहीं दुआ करता हूँ अल्लाह करे, दुआ करूंगा अल्लाह करे ठीक हो जाए। और वेलोसेफ वाला जो है ना, वो बेशक इनको वेलोसेफ थोड़ा सा मिला लें, मिक्स कर लें, ये है जी पानी में नहीं, क्योंकि अब ये खाना पीना भी इन्होंने बंद कर दिया होगा। हाँ, तो अब ये है कि इनको सिरी लैक थोड़ा सा लेके ना, तो उबले हुए पानी में थोड़ा सा सिरी लैक वो बना लें इसका, ये हाँ सिरिंज, उसमें चुटकी एक वेलोसेफ की भी डाल लें और वो इनको एक एक सीसी पिला दें सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, अगर तीन दफा करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह फजल करेगा। दूसरा ये है कि इनका पहले पोटा साफ करने के लिए इनको अगर वो सिरका और चीनी मिला के पहले वो दे दें। हाँ, बस एक चम्मच चीनी और एक चम्मच ही सिरका, यानी बराबर बराबर, अगर दो चम्मच से सिरका, दो चम्मच इस चीनी। ठीक है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर। आप पहले वो साथ पोटा की सफाई हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद इसको सिरिलैक वाला वो देंगे तो उसका असर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, दुआ भी करूंगा अल्लाह करे ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और लहसुन नहीं होता, लहसुन वो भी उसका, हाँ वो दें, लहसुन दे दें, प्याज और लहसुन अच्छा होता है। ठीक है, और जो इनको पानी पिलाना है ना, वो पानी भी आपने सौंफ वाला बॉयल करके ना, सौंफ एक, हाँ पहले वो वाला पानी पिलाएं। ओके अल्लाह हाफिज, अच्छा ओके, लाहौर सबको सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद-ए-ग्रामी है, भूखे को
खाना खिलाओ और बीमार की मिजाज पुरसी और देखभाल करो और कैदी को रहाई दिलाओ। बुखारी से मैं कोट कर रहा हूँ। फीमान अल्लाह।